ओ यार ये तो रोने, ओए ओए कोई बात यार, यार ये तो रोने लग गया। आज ये साग जो है ना अपने पट्टे को उड़ाने लगे। वो देखें दोस्तों गुना फूल क्या कर रही है, अजीब से तरीके से बैठी हुई है ये रही, ये कहीं अंडा तो नहीं दे रही। मान गुना फूल क्या कर रही है वो यार, अंडा दे रही है। लेकिन है तो दोनों मेल है मेरे पास। नहीं वो फीमेल भी तो हो सकती है। तुम्हें क्या हो गया, उसकी दाढ़ी से पता लग रहा है ना यार, ये कहीं बीमार तो नहीं हो गई। वो देखें चल भी नहीं रही है। नहीं है ठीक है यार, हाँ ठीक है ठीक है, सही है। वैसे ही डर रहे थे हम। हाँ वैसे बैठी होगी यार, टांगे सीधी करने के लिए। हाँ टांगे सीधी कर रही होगी यार। आज जो है ना हम वीडियो बना रहे हैं, दरअसल मेरी जो डक्स है ना उनसे मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है यार। ये देखें ये गंदा पानी है ना, ये गंदे पानी को करती हैं साफ। अंदर रखा है मैंने साफ पानी ना। अच्छा। तो उसको सारा गंदा कर लेती हैं ये उनके लिए। देखें अभी मैंने ये वाला हल निकाला लेकिन इसको भी सारा गंदा किए हुए इन्होंने पानी। अच्छा। तो इसका मुझे कोई सोल्यूशन बताओ ना, क्या करूँ यार। इसके एक ही सोल्यूशन है, डक्स को ज़िबा कर दो, इनका रोज़ बना के खाएंगे। यार है तो ये भी ठीक है, पता डक्स लाल भी है या नहीं यार, इसका तो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। यार डक्स क्या लाल होती हैं? वैसे मैंने सुना है इनका अंडा लाल होता है लेकिन मैंने डक्स कभी मैंने नहीं देखा कि लाल है, आराम है, मुझे नहीं पता। ये गोश्त खाती हैं, मछली का गोश्त खाती हैं ना, गोश्त खाने वाले परिंदे हलाल नहीं होते। ये भी है लेकिन अक्सर मुर्गे भी जो डेरों से होते हैं वो भी तो गोश्त खाते हैं। वो तो एक्सेप्शनल केस है ना वो, लेकिन ये तो खाती, इनका ज्यादातर खुराक जो है वो मछलियाँ होती है, पानी के अंदर रहती है, वहीं से मछलियाँ वगैरह खा के अपना गुजारा करती है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी खाती है यार। अभी इसका अभी मैं तो कहता हूँ ना, मेरा जो प्लान है ना इनको एक अलग पिंजरे में शिफ्ट कर लेते हैं। ये हाँ ये दरअसल मैंने एक पीछे रैबिट के लिए पिंजरा बनाया था लेकिन ये जो है ना रैबिट मेरे अभी है नहीं, तो इधर मैं कहता हूँ पक्का पक्का शिफ्ट कर लूँ। अभी ये देखें सारा सामान पड़ा हुआ, इसको मैं निकाल दूँ। इसमें कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो तुम एक काम करो ना, तुम जो डक्स है उनके लिए प्रॉपर यहीं पे बना दो, यहीं पे जाली लगी हुई है ना, तो उसके अंदर पक्का पक्का रहेंगी। हाँ पक्का पक्का, मेरा प्लान भी यही है क्योंकि यहाँ पे मैं जो जाल बनाऊंगा ना पिंजरा सा, उसके आगे मैं थोड़ा सा पौंड सा बना के आगे जाली लगा लूंगा। हाँ। उसमें जो है ना नहाएंगे भी, फिर उसी डायरेक्ट पिंजरे में जाएंगे, चली जाएंगी। ये आइडिया अच्छा है, इसके अंदर पौंड बना दो सामने। दरअसल मेन मसला ये है ना, ये जो है ना साफ पानी को गंदा करती है ना, तो अंदर बाकी मुर्गे भी होते हैं आपको पता है। फिर मेरे पास फैंसी मुर्गे भी रखे हुए, वो आगे घूम रहे हैं, मोर भी है, तो मसला उनके लिए होता है। यार ये डक का कलर कैसा आ रहा है, ये सामने वाली का, ये वाली का, ये ग्रे, ये पूरा देखो स्लेटी कलर लग रहा है मुझे तो। ये हाँ मेरे पास सारी डिफरेंट कलर की डक है यार, स्टार्टिंग में जब आई थी ना सब एक जैसी थी। ये तो स्लेटी नहीं थी जब मैं छोड़ के गया था, ये बस उन्होंने क्रीज की है ना, अभी ये बस अंडे देने वाली है इंशाल्लाह ताला जल्दी। कब तक अंडे देगी ये मुझे लगाती है, 6 महीने सुना है मैंने, 8 महीने मैंने जितना देखे लोग कह रहे हैं 8 महीने की। हमारे पास 8 महीने तो नहीं अभी तक, 8 महीने 6 महीने हो गए, 6 महीने नहीं हुए। अच्छा 5 महीने हुए, तकरीबन 4 महीने हुए मुझे लगता है जहाँ तक, 4 महीने हुए यार। फिर भी माशाल्लाह कितनी बड़ी लग रही हैं देखें, और इनका भी यही पक्का सलूशन करते हैं यार, इनको हम पीछे शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये जो है ना मसला करती हैं इधर। यार पिंजरे का आपको मैंने बताना था कि इंशाल्लाह कल सुबह हमारा बिल्डर आ जाएगा और सारा केज वहाँ पे दुकान पे रेडी हो चुका है, तो बस जो है ना आज जुमा था इसलिए छुट्टी की हुई थी उसने, तो इंशाल्लाह कल यहाँ पे पिंजरा बन जाएगा। स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा ना, स्टार्टिंग में अपनी डक्स जो है ना इधर शिफ्ट करूँगा थोड़े दिन के लिए, ताकि मेरा ये वाला पिंजरा तो साफ हो ना हो यार, अंदर सारा गंद बना हुआ है। दरअसल जब भी बारिश लगती है ना ये क्या करती है, अंदर जितना पानी खड़ा होता है उसमें खेलने लग जाती है। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी नीचे मट्टी है ना ये पक्की है, उसे मैं अपने पिजन्स वाला जो केज उसके अंदर मट्टी लेके आके डाली है मैंने, जब भी बारिश होती है वहाँ पे कीचड़ बन जाती है। ये हिसाब है ना यार, अभी इधर देखे ये सारा कोनों कोनों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है, ये बत्थे खेलती रहती है बीच में, वो फिर तुम्हारी भी कीचड़ बनती है। हाँ ना अभी भी मेरा कितना कीचड़ बना हुआ है वो देखे सारा, इसलिए फिर काम है मेरा जो है ना ऐसा कीचड़ है कि अगर पाँव डालो पाँव अंदर चला जाएगा। आपने मट्टी बहुत ज्यादा डाली होगी ना, मट्टी इतनी नहीं डाली मैंने। अच्छा इतनी इतनी डाली है, उसके अंदर मैंने भूसा मिक्स किया था। फिर गलती की है ना, आप क्या करते थोड़ी सी जगह बनाते मतलब बक्सा सा, उसमें आप मिट्टी डालते, बाकी सारा पिंजरा जो होता है ना वो नॉर्मल फर्श वाला होता, तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर कुछ और भी मिक्स करना होता है। नहीं वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी उनके खेलने के लिए होती है यार, वो यार मिट्टी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि नीचे गंद बन जाता था, बीठे वगैरह करते थे वो निशान पड़ जाते थे, तो बीठे उसके अंदर सूख जाती है। अभी आपका देखो नजर नहीं आ रही, बिल्कुल मेरा तो पता ही नहीं लगता यार, उस पिंजरे में नहीं पता लगता, इसमें नहीं पता, ये चीज इस वजह से मैंने डाली थी लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई, अभी मुझे समझ नहीं आ रही की मैं क्या करूँ। का एक और सोल्यूशन भी है ना, कि आप जो है ना चावल की वो होते हैं छिलके वो डालो, वो सबसे बेहतरीन है, इससे पांव पे नहीं लगेंगे गंद। नहीं नहीं पांव पे नहीं लगेंगे, मिट्टी की तरह कीचड़ नहीं बनेगा वो।
मतलब छिड़के वो मिट्टी में जज्ब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनकी जो भी पानी होता है, ये फार्मिंग वाले लोग करते हैं, आपको पता होगा जो फार्मिंग करते हैं चूज़ों की। हाँ हाँ। वो डालते होते हैं ये छिलके वगैरह चावल के, तो उससे क्या होता है फिर फायदा होता है। और यहाँ पे देखे माशाल्लाह कबूतर भी। ये पट्टा तो नहीं है तुम्हारा? ये मेरा पट्टा ही है ना, देखे ना माशाल्लाह यार, ये इतना बड़ा हो गया। इसको यार उतारते हैं, इसको उड़ाते हैं आज। चलो इसको उड़ाओ, चलो मैं कैमरा पकड़ता हूँ, तुम इसको उड़ाओ आज। हाँ ये साग जो है ना अपने पट्टे को उड़ाने लगे। इसको मैंने पहले कभी भी दोस्तों सही हाई फ्लाई में नहीं उड़ाया। ओ माशाल्लाह, ऊपर छतरी पे बैठ के आ जाके। चलो चलो चलो, ओए यार इसको कोई कपड़ा वगैरह लाओ। कपड़ा पड़ा हुआ है कोई? कपड़ा किसके लिए? कपड़े को ऐसे तुम नीचे से करोगे ना तो ये उड़ेगा। कपड़े को वो डर जाते हैं, ये कपड़े से बहुत डरते हैं। कपड़ा भी हो जाए ना वो भी ठीक है, वरना ये भी। इससे चेक करो जरा, ये उड़ गया, वो सामने जाके बैठ गया, वो देखे जरा दूसरा भी वहाँ पे जाके बैठ गया। मुझे लगता है इनको तुमने कभी उड़ाया ही नहीं है तो। अब मैंने पट्टे को नहीं उड़ाया अभी तक, एक दफा भी। भाई ऐसे तो नहीं होता, इनको रोजाना उड़ाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तभी जाके उड़ने लगते हैं। यार दरअसल ये उड़ जाते हैं ना, मैं इसलिए इनको छेड़ता नहीं हूं ना, एक दो दफा उड़ाऊंगा ये भाग जाएंगे इधर से। वो ऊपर क्या चीज है? ये बगला जा रहा है यार, इस बगले को पकड़ो। चलो वहां पे बैठे हुए, तुम क्यों हंस रहे हो? ये मुर्गे से बहुत डरता है यार, मुर्गे को लेके आओ जरा। यार ये मुर्गा बोर है ये आज बहुत मुझे बहुत तंग कर रहा था ये घर में, इसको जरा मुर्गे को लाओ जरा। लाओ 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 ये घर में, मम्मा जल्दी लाओ ये। अब गालियां निकालोगे? ओ यार ये तो रोने, ओए ओए कोई भाई यार यार ये तो रोने लग गया। अबे यार ये तो रोने लग गया यार, मैं मजाक कर रहा था। ओए नहीं लाया वो, जाओ चलो जाओ यार जाओ, देखो चले बच्चा सीरियस हो गया यार, ये रोने लग गया सच में। ये देखो यार ये चीज है, अब दोबारा ही यार, अब दोबारा मस्ती अभी हंसी भी लग गया, अब दोबारा नहीं करोगे ना। गाली नहीं निकालना कभी किसी को। अभी गाली निकालेगा, अभी ऐसे ही होगा। और भी बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं ना घर, उनके इधर लेके आना। हाँ उनको इधर ही लेके आऊंगा, अभी दोबारा कभी मस्ती नहीं करेगा मुझे पता है। तीन तीन मुर्गे हैं भाई, छोटे से हैं पर देखे रोब कितने हैं, बच्चे डर गए यार। ऐसा ऐसा बंदा होना चाहिए जिंदगी में भी यार, छोटा सा ले जाओ यार, काम पूरे करते हैं ये, मुर्गे की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मुर्गा ही अपने घर में रख लेता हूँ। हाँ बच्चे जो है ना कभी मस्तियाँ नहीं करते। इनका फायदा मैं आपको बताता हूँ, ये होते भी छोटे से खाते भी कम है, इतना मसला भी नहीं होता। आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ, आपके अगर बच्चे मस्तियाँ करते हैं या वो बाहर खेलने जाते हैं आपको बताते नहीं है, तो आप भी एक दो मुर्गे ऐसे रख लें, बहुत फायदा है यार। वो आप उससे डर के आपको कुछ भी नहीं काम करेंगे। देखो ना कैसे चुप खड़े हुए घर में, कितनी मस्ती करते हैं मुर्गे को देख के। ये बेहतरीन चीज है यार, ये छोटे छोटे मुर्गे बड़े काम के, नस्लन भी इनकी बड़ी अच्छी है। और देखे मस्तियाँ ये यार तहफ़ करते हैं सारा, वो देखें अभी भी आकड़ है ना, वो दरअसल इस बच्चे को देख के अकड़ है। हमें नहीं, हमें हम पुराने हो गए हैं, हम जो है ना इसको मारते हैं आगे से। अभी ये यहाँ जहाँ आगे पीछे जाएगा ना वो उसके पीछे पीछे आएगा। यूनोफॉल दूसरी इसकी फीमेल लेकिन है, तुम तो काफी टाइम से बोल रहे थे मुझे। यार एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है, घर से बाहर ही नहीं निकलने होता, बस छोड़ दिया मैंने यार प्लान से कैंसिल। इतनी बड़ी बड़ी हो गई इसको, अभी मैं बोलता हूँ एक को ज़बा करके खाते हैं कभी। वैसे प्लान अच्छा है यार, इसका गोश्त गलता भी है वैसे, हम अपना बारबेक्यू को प्लान कर लें तो गलता होगा ना। वो ट्राई कर लेते हैं यार, ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ ट्राई करते हैं इसको, पर ये ना कितना सा कोश खाने की ना, फिर फालतू जाए नहीं होगा मेरे ख्याल से, सही होगा। हाँ अच्छा ही होगा इसको यार, वैसे कर लेते हैं इसको, ज़बा कर लेते हैं, फायदा भी कुछ नहीं है इसका, टाटर करती रहती हैं यार मेरी वीडियो। हाँ, को इतना ख़राब करती हैं ये, मुझे इतने ज़्यादा कैंसिल करनी पड़ती है बार बार। अभी तो ये चुप हो गई हैं, पता नहीं क्यों, तो वैसे इतनी शोर करती हैं अभी, शायद ये छोटे छोटे आ गए ना, इनके चार भाई हैं ना, ये छोटे गुना फाउल यूनोफॉल नहीं है, तरकीज है ये। अच्छा यार मुझे तो अभी तक कमेंट्स आते रहते हैं भाई, ये आपके जो है ना तीन गुना फाउल है एक टर्की है यार, वाइट वाला। यार देखो अच्छा आप जो लोग कमेंट्स करते हैं वो हमें बताएंगे गुना फाउल और टर्की के बेबीज में क्या डिफरेंस होता है। ये चारों एक जैसे दिखते हैं, या तो ये टर्कीज होंगे या गुना फाउल्स होंगे। हाँ ये भी है, तो फिर आप हमें बताएं ना कि इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इनमें फर्क होता है, क्योंकि ना इनकी पगड़ी वगैरह है ना कुछ और है, कोई ऐसी चीज़ हो ना जिससे हमें पता चले। हाँ ना कोई सही बेसिक सा डिफरेंस अगर आपको दोस्तों को पता हो यार, मेन कुछ दुम बड़ी होती है, कुछ सर बड़ा होता है, कुछ हमें तो ऐसा लग रहा है ना, होगा ना। टर्की को हमने देखे उनका सर गंजा होता है सारा, इनका भी सर देखें सारा गंजा है, तो गुना फाउल को तो सर गंजा नहीं होता, गुना फाउल को तो सर बालों से भरा होता है।
हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमें टर्की लग रही हैं। यार डायमंड के लिए कोई फीमेल नहीं ना क्या अभी तक? डायमंड अभी होती जो है ना उसको पता नहीं है मेल है फीमेल है, वो बच्चे है अभी यार। मेल है यार, मेल वो तो मुझे पता है ना अभी है, अभी है तो पता है। फीमेल भी लग रही है मुझे दिखने में, दोमिस की फीमेल वाली है और आगे से मेल है शक्ल से। वैसे हाँ ये भी है कि मेल फीमेल भी हो सकती है यार। देखो दोमिस की, लेकिन यार दोमिस की थोड़ी सी पीछे से वो है ना टेढ़ी हुई है, जो मेल होता है उसकी दुम थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अभी देखो वो गोल हो रही है। वैसे यार मेल ही हो यार, मेल में क्या तुम सेटअप में हो? हाँ। अच्छा ये वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखें भाग गए अभी वहाँ पर। ये दरअसल आपको पता है डक्स के साथ लव है ना, ये जहाँ पे डक्स होती हैं साथ साथ उनके। अच्छा। उनका बॉडी गार्ड है ये जी। वो देखें अभी भी छोटे, जब बचपन से लाए थे तब भी उनके साथ, अभी भी उनके साथ है। अच्छा। साथ नहीं छोड़े इनके, छोटे छोटे साथ में ही आए थे ना इसीलिए। हाँ बिल्कुल। फीमेल रैबिट को पकड़ा था, वो भाग गोदी में उठाने की कोशिश कर रहा था और वो भाग गई। ये यार ये बेबी को दिखाओ जरा पास से, ये मैंने काफी टाइम से नहीं देखा, इसे पकड़ के लाओ। ये आ गया ये, माशाल्लाह इसकी जान देखें यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने छोटे छोटे थे यार जब स्टार्टिंग में, इतने कान थे, नहीं आ रहा यार इतने बड़े बड़े हो गए। खाता पीता भी बहुत है माशाल्लाह। ये चूही रैबिट इसका नाम रखा था मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तो फुल पता नहीं नारे मादी। अब ये मुझे नहीं पता इनका जेंडर, अभी देखना पड़ेगा चारों का क्या है। हाँ ये फीमेल लग रही है यार दिखने में तो, यार इसका जेंडर का कैसे पता चलता है? मुझे भी वैसे नहीं पता जेंडर का कैसे पता लगता है, देखना पड़ेगा अब इंटरनेट से कोई वीडियो देखनी पड़ेगी इसके रिलेटेड। इसके पांव देखो कितने गंदे हुए हैं, ये तो ऊपर से साफ सुथरा है, पांव गंदे हो गए हैं बस। ये तो रैबिट का यही हिसाब होता है ना, वैसे इनको कान से पकड़ा जाते हैं ऐसे करके, नहीं करो कान ही ना टूट जाए इसके। नहीं कान ही टूटते, ऐसे ही पकड़ते होते हैं कानों से। अच्छा ये इसके साथ का रैबिट देखा आपने कितना बड़ा हो गया, वो उसके तो मुझे लगता है बाल ही बाल निकले हुए हैं सारे। मैं आपको करीब से दिखाता हूं दिखाओ यार इसको, वो जो रैबिट है ना उसको मैंने देखा था, इतने बाल ही बाल उसके आए हुए थे, पता नहीं अजीब कोई चीज़ है। अभी दिखाता है साख हमें, तो ये चेक करें यार, ओ माशाल्लाह इसके बाल बहुत गंदे हैं यार, इसके बाल हाथों में आ रहे होंगे, वो निश्चित ही लग जाती है इसके बालों से। अच्छा अच्छा एलर्जी हो जाती है। वो देखें अभी कितने बाल गिरे हैं, इसके पंजे भी बहुत गंदे हैं, बहुत बुरी तरह मारते हैं ये। इसको भी नीचे छोड़ देते हूँ माशाल्लाह। ये इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम सुल्तान रखा था, सुल्तान रैबिट। सुल्तान और जुगनू रैबिट यार अभी अंदर है, जुगनू को भी निकालो। गाइस अभी भाग गया है जुगनू रैबिट को बाहर निकालने, और अभी हम देखते हैं कि जुगनू रैबिट कैसा है। जल्दी लाओ यार जुगनू को, वाह 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 मजा आ गया यार ये चेक करें। ये यार जुगनू रैबिट स्टार्टिंग में कितना प्यारा था यार, अभी वाइट होता जा रहे सारे। इधर देखें आंखें देखो कैसी, साइडों से रिंग बना हुआ ऐसे लग रहा है। क्या पता रिंग है या ऐसे फीलिंग आ रही है पता नहीं। वाइट है बिल्कुल, शायद आंख चेंज करेंगे जैसे बड़े। उसकी लाल आंख है, इसकी दूसरी आंख ये अब दूसरी नस्ल के है, अब ये मट्टी कलर के है अभी कौन से, लेकिन ये देखे वाइट हो रहे हैं। ओहो इसकी दुम बहुत प्यारी है यार, ये फिसल जाते हैं, एक तो इतने मुलायम से होते हैं ना निकल जाते हैं हाथ से। तो वीडियो क्या हो गया तुम्हें, वो देखा अभी भी डर रहे, डरते ही रहना यार यहाँ तुम। बस यार दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।